हेलो एवरीवन, दिस इज आमना सबीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जो कि है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड। आज हम लोगों ने इसका लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, जो कि है पैराग्राफ नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं। एंड और द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते के द वे, रास्ते पर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने हैड चोजन, मुंतखब किया फॉर हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हिम प्रोनाउन है, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने आपके लिए किया था चलते गए। इम्ब्यूज, सरशार होकर विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई से, डिवाइन अल्लाह ताला की गाइडेंस रहनुमाई से, एंड और फर्म रिजॉल्व पुख्ता इरादे से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया, इनकाउंटर मुकाबला किया ऑल द चैलेंजेस, तमाम चैलेंजों का, विद ग्रेस, खुश उसलूबी के साथ, एंड डिग्निटी, और बावकार तर्ज अमल से। अल्लाह ताला की रहनुमाई और अजीम अजमे समीम, यानी कि पुख्ता इरादे से सरशार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला खुश उसलूबी और बावकार तर्ज अमल से किया। इन नो टाइम, कुछ ही अरसे में, ही एलिवेटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद कर दिया मैन, आदमी को, टू द हाइएस्ट मुमकिना, बुलंद तरीन पॉसिबल लेवल, मुमकिन सतह तक, इन बोथ, दोनों स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली डोमेन्स, और दुनियावी मैदानों में, और कुछ ही अरसे में रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर सरफराज कर दिया। ही वॉज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, एक मुहर्रिक की कुव्वत, बिहाइंड पीछे द अरब कंक्वेस्ट, अरब के फतुहात के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों की फतुहात की पुश्त पर, या अरबों की फतुहात के पीछे एक मुहर्रिक की कुव्वत भी थे, विच जिसने हैव क्रिएटेड, पैदा किया, एन एवर लास्टिंग, ना खत्म होने वाला इम्प्रेशन, तासुर और ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, जो इंसानी तारीख पर कभी ना खत्म होने वाले तासुर को वजूद में लाए, या जिसने इंसानी तारीख पर कभी ना खत्म होने वाला तासुर पैदा किया। नो वंडर, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं, ही इज यूनिवर्सली, आप हर जगह एक नॉलेज माने जाते हैं, एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख में। इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में हर जगह सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत माने जाते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीखदान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ एवर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम, वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थे फॉर बोथ, दोनों, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, मजहबी अकायद, एंड इट्स मेन एथिकल, और इसके मरकजी अखलाकियात एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, और अखलाकी असूलों के। अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में, ताहम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद, मजहबी अखलाकियात और अखलाकी असूलों दोनों पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदार थे। इन एडिशन, इसके अलावा, ही प्लेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया अ की रोल, अहम किरदार इन प्रोसेलिटाइजिंग, तबलीग करने में, द न्यू फेथ, दीन इस्लाम की, एंड इन एस्टैब्लिशिंग और कायम करने में, द रिलीजियस प्रैक्टिस, मजहबी अमाल की। मजीद बरा, या इसके अलावा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग और मजहबी अमाल को कायम करने में अहम किरदार अदा किया, या कलीदी किरदार अदा किया। इन फैक्ट, दर हकीकत, एज द ड्राइविंग फोर्स, मुहर्रक के कुव्वत होने की हैसियत से, बिहाइंड द अरब कंक्वेस्ट, अरब के फतुहात के पीछे, ही में वेल रैंक, आपको आला या सबसे ज्यादा अजीमो शान रुतबा दिया जा सकता है, और एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोलिटिकल लीडर, सबसे ज्यादा बाअसर सियासी रहनुमा का ऑफ ऑल टाइम, हर जमाने के। दर हकीकत,
अबू की फतोहात की पुश्त पर मुहर्रक की कुव्वत होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जमाने के बाअसर सियासी रहनुमाओं की सफ में अजीम शान रुतबा दिया जा सकता है। द अरब कन्क्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी के अरब के फतुहात। अच्छा, फतुहात से मुराद है जंग, ठीक है, यानी कि अगर एक जंग हो तो उसे फतह, अगर जंग जीत जाती थी तो उसे फिर हम फतह का नाम दिया जाता था। तो जितने भी फतुहात यहाँ पे, मतलब ज्यादा क्योंकि जंगें लड़ी गई थी, तो उनको यहाँ पे एज अ प्लूरल यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अरब की जितनी भी जंगें थी जो कि फतह की गई थी मुसलमानों से, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। हैव कंटिन्यूड, जारी किए हुए हैं, टू प्ले, अदा करना एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज भी या आज तक, ठीक है। अरबों की 7वीं सदी की फतुहात आज तक इंसानी तारीख में अपना एक अहम किरदार जारी रखे हुए हैं। मतलब वहाँ उस दौर में इतने अच्छे तरीके से जो है वो प्लानिंग के साथ ये सारा जो है फतह किया गया था मक्का को, कि वो आज तक हमारी हिस्ट्री में उसने बहुत गहरा असर छोड़ा है, ठीक है। आज भी अगर हम अपनी वॉर की किताबें देखते हैं तो जब भी हम किसी वॉर के बारे में बात करते हैं तो हमारी उस जो जो फतेह जो फतुहात मक्का की हुई थी उनको सामने रख के उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है और अपने सोल्जर्स को सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 9, थोड़ा सा लेंथी है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 10 पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज, हम इसके एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अपने लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आप तक फौरन पहुंच जाए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज।